परमिट बनाने से हो रही परेशानी को लेकर ऑटो चालकों ने जताया विरोध। गत वर्ष खरीदी गई धान का नहीं हुआ परिवहन, खराब हो रही धान, लाखों की नुकसानी। और चढ़ोतरी नहीं हुई तो मिलती है तारीख पर तारीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं बालाघाट लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिना परमिट के ऑटो चलाने पर कार्रवाई किए जाने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी किए जाने के बाद से आरटीओ विभाग द्वारा ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ऑटो चालकों ने आरटीओ कार्यालय में परमिट बनाने जाने पर हो रही परेशानियों पर और परमिट बनाने कार्यालय आने पर रास्ते में ऑटो पकड़कर कार्रवाई किए जाने पर विरोध जताते हुए जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल से मिलकर परमिट बनाए जाने और ऑटो चालकों पर की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे जिला परिवहन अधिकारी द्वारा परमिट बनाने कार्यालय आने वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया है। इतवार था, कल के दिन से पूरे कल भी आए थे, कल सुबेरे से शाम हो गई, शाम से सुबेरे आज हो गई, अब आज से फिर हो जाएगी शाम। वहाँ पर ये लिया गया था निर्णय पूरे आला अधिकारियों ने कि इनके जल्द से जल्द अपने एक दिन पे कागज़ बना दिए जाएंगे, अब एक घंटे में बना दिए जाएंगे ऐसे बोले थे, और चार काउंटर यहाँ पर कल खुले जाएंगे। अभी आप जाके देखो तो एक ही काउंटर खुला सिर्फ। इस काम के साथ साथ हमारे और भी काम है, सीएम हेल्पलाइन है, लोक सेवा है, मैं जैसे एस टी एल बैठ के आया हूँ, चुनाव का काम चल रहा है, तो जैसे ये लोग भी सहयोग करें हम भी सहयोग कर रहे हैं, सबसे करा के सबका काम करा दिया जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं। शासन द्वारा सोसाइटियों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन अभी भी गत वर्ष खरीदी गई धान का खरीदी केंद्रों से परिवहन नहीं होने से बारदाने में रखी धान खराब हो गई है। खरीदी केंद्रों में वर्तमान में खरीदी जा रही धान को रखने में दिक्कत हो रही है। इस संबंध में खरीदी केंद्र प्रभारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन पुरानी धान का परिवहन नहीं हो पा रहा है। धान खराब होने से शासन प्रशासन को लाखों रुपयों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आरटीओ में दलाल सक्रिय है, हर काम के लिए कमीशन तय है, यदि आप ये कमीशन न दें तो हो सकता है कि आपको लाइसेंस के लिए कई बार चक्कर काटना पड़े। अकेले बालाघाट की बात करें तो यहाँ आरटीओ परिसर में ही 20 से ज्यादा दलाल हैं। एक दलाल दिन भर में औसतन कई लोगों के काम करवाता है, हर एक काम के एवज में 400 से 1500 रुपए तक कमीशन के तौर पर लिए जाते हैं। ये 200 मिडिल मैन एक दिन में करीब 600 लोगों का काम करवाते हैं। यदि काम के औसतन 1000 रुपए भी लेते हैं तो इनकी रोजाना की कमाई लाखों पर पहुंच जाती है। महीने में कमीशन का ये आंकड़ा 1.5 करोड़ रुपए पर पहुंचता है। परिवहन विभाग की तरफ से सभी सर्विस को लोक सेवा गारंटी में शामिल कर लिया है। हर ऑफिस में एक परिवहन मित्र लोगों को गाइड करने रखा है, पर तो वो मिलता ही नहीं है। आरटीओ में हेल्प डेस्क है, पर यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि कौन सी विंडो कहाँ है। परिवहन विभाग के अफसर इन दलालों को मिडिल मैन कहते हैं। जिले के तहसील मुख्यालय वालासिवनी में नगर पालिका प्रशासन के अधीन शंकर तालाब, आमा तालाब, बेरबन बोड़ी और अयोध्या बस्ती की बोड़ी और चंदोरी तालाब है, जिनमें से ज्यादातर तालाबों की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से उनके रकबे में कमी आ गई है और तालाबों की भूमि अपने मूल रकबे से आधे से भी कम बच गई है। तालाब की भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर कॉलोनियां बना ली हैं, जिनका मध्यप्रदेश कॉलोनाइजर अधिनियम के तहत विधिवत पंजीयन भी नहीं कराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार प्रजापति बालाघाट ने प्रकरण के क्रमांक थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक में आरोपी मुन्ना पिता बुधराम बरवे निवासी वार्ड नंबर 11 भटेरा रोड थाना कोतवाली जिला बालाघाट को स्वपक औषधि और मनरू प्रभावी अधिनियम 1985 के तहत दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। योगी कला को जन जन तक पहुंचाने की मंशा से शहर मुख्यालय स्थित शासकीय एमएलबी स्कूल में सोमवार को एक दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भोपाल से शासकीय योग प्रशिक्षक मध्य प्रदेश देवी दयाल भारती उपस्थित रहे। इस अवसर पर विकासखंड योग प्रभारी अंजलि आसडकर द्वारा योग कला का मंच पर प्रदर्शन कर योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। इस दौरान योग शिक्षक और स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? और लोगों तक जो है योग को पहुंचाना है, जन जन तक लोगों को पहुंचाने का उद्देश्य है। और इस कार्यशाला में जो है मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल शासकीय योग प्रशिक्षण मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री देवीदयाल जी भारती पधारे हुए हैं और विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री मलगाम साहब उपस्थित हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा शीत शिविर का आयोजन किया गया और पथ संचलन निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से
होकर गुजरा। इस दौरान जिला संघ चालक वैभव कश्यप सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।